अमदावाद ज नहीं परंतु समग्र गुजरात में चर्चा जगावनारा आयशा केस में एक नवोज खुलासो थयो छे। अमदावादनी दीकरीने न्याय मळे ते माटे एक तरफ आखो अमदावाद प्रयास करी रह्यो छे। आयशाना आपघात बाद पति आरिफ फरार थई गयो छे। पुलिस तेने शोधवा राजस्थान पहोंची परंतु ते हाथ न लाग्यो। आ तरफ आयशाना पिताए कह्युं छे के मने आखू घर फरीने पण रूपिया आपो तो पण मारी दीकरीना हत्यारने माफ नहीं करूं। त्यारे शुं थयो छे आ नवो खुलासो जोईए आ रिपोर्ट मां। हेलो, अस्सलामु अलैकुम। मेरा नाम है आयशा आरिफ खान और मैं जो भी कुछ करने जा रही हूँ अपनी मर्जी से करना चाहती हूँ। इस पे किसी का दौर या दबाव नहीं है। अब बस क्या कहें, ये समझ लीजिए खुदा की जिंदगी इतनी ही होती है और मुझे इतनी ही जिंदगी बहुत सुकून वाली है। અમદાવાદની આ દીકરીને કોણ ભૂલી શકે। એક દીકરી એ કેટલી પરિપક્વ હોય અને કેટલી ભોળી હોય છે તેનું ઉત્તમ ઉદાહરણ અમદાવાદની આયશા બની। મરી તો પણ હસતા હસતા, અને તેને મરવા માટે જેણે મજબૂર કરી હતી તેના પર જરા અમથો પણ આરોપ ન લગાવ્યો, બધું પોતાના માથે લઈ લીધું। હસતા હસતા મોતને વાલું કરી દીધું। सलाम छे मारा गुजरातनी आ दीकरीना भोळपणने। परंतु आयशाने आ स्थिति सुधी लावनारा तेना पति आरिफ अने आयशाना सासरियाओ तेने त्रास आपता हता, तेनो खुलासो थयो छे। आयशाए आपघात कर्यो ते पहला तेने पति आरिफ साथे वात करी हती। बन्ने वच्चेनी वात तो सामान्य हती, परंतु आरिफ वारंवार ए मांगणी करी रह्यो हतो के वटवामां नोंधायेली तेनी सामेनी फरियाद पाछी लई लेवामां आवे, अने आज फरियादना आधारे ते आयशाने त्रास आपतो हतो। छोकरी पांच बार छोकरी ने अमदावाद लेने आया तो आरिफ भाई पांच बार है, तारे पांच बार अडार, तारे प्रेग्नेंट हती, तारे आरिफे अमना फादर पास 1.5 लाख ने मांगणी करी हती, तारे अमने પૈસા આપેલા નહોતા, તારે પૈસા આપણે ના પાડતા। એ આરિફ છે એ આયશા સાથે બાજેલો અને એને મનમાં લાગી આવતા એનો મિસકેરેજ થયેલો। ત્યારબાદ 21/7/19 ના રોજ આયશાને લઈને અમદાવાદ મૂકી ગયો હતો અને 6 મહિના સુધી આવ્યો નહોતો ચડવા માટે। પછી 26/1/20 ના રોજ આવ્યો હતો અને અમના ફાધરે ત્યારે અમને 1.5 લાખ રૂપિયા આપેલા। પછી લાસ્ટમાં એ 10/3/20 એ બેક ટુ પ્રેગ્નન્ટ થઈ પેલી બેબી, અને ત્યારથી લેવા આવ્યો નહીં અને વારંવાર એ પૈસાની માંગણી કરતો હતો। પૈસા અમે પૈસા નહોતા એટલે અમે ના પડી પૈસા આપવાની, એટલે ચડવા આવ્યો જ નહીં અને અમે કહેતો તારે જે થાય કરી લેજે, હું તારી બેબીને ચડવા આવવાનો નથી। ત્યારે કંટાળીને આ લિયાકતભાઈ અને બેબીએ 21/8/20 ના રોજ વટાપોર્ટ સ્ટેશનમાં 498 કાની ફરિયાદ આરિફ ખાન, બાબુ ખાન, સાયરા બાનુ અને ખુશ્બુ બાનુ આ ચારે ઉપર એફઆઈઆર લોજ કરાવેલી, જેમાં આ તારે ચારે બેલ ઉપર બેલ આઉટ થયેલા અને હાલ નામદાર કોર્ટમાં કેસ પેન્ડિંગ છે। ત્યારબાદ આ આયશા બાનુએ 1999 કોર્ટના મેટ્રોપોલિટન 1999 કોર્ટમાં 32/35/20 થી ડોમેસ્ટિક વાયોલેશનનો કેસ કર્યો જે હાલ પેન્ડિંગ છે। આયશાના પિતાએ પોતાની દીકરી ગુમાવી છે જેનું દુઃખ તેમને છે, પરંતુ અત્યારે તેઓ શહેરની બીજી કોઈ આયશા આવી રીતે ન મરે તેના પ્રયાસો કરી રહ્યા છે। તેઓ એક જ માંગણી કરી રહ્યા છે કે તેમને ન્યાય મળે। પોતાની દીકરીને આત્મહત્યા કરવા માટે મજબૂર કરનારા તેના પતિ અને સાસરિયાઓને સજા મળે। उसका वो मर गई, उसको कमीने को फांसी भी दे दोगे ना, मेरी आशा नहीं आएगी। लेकिन हिंदू मुसलमान उनकी बेटियां जो भी नाम हो वो सब मेरी बेटी है, मेरी आयशा, मेरी उन आयशाओं को बचा लो, बस उन आयशाओं को बचा लो। लेकिन हर मजहब की बेटी मेरी आयशा है, उन मेरी आयशाओं को बचा लो बस, और कुछ नहीं कहना।
बस और कुछ नहीं कहना है। आयशा तो आ दुनिया छोड़ीने जती रही छे, परंतु तेने न्याय माटे समग्र गुजरात माथी आवाज उठ्यो छे। अमदावाद ना अनेक विस्तार मा जस्टिस फॉर आयशा ना पोस्टरो लाग्या छे, तो पोलिस पण आयशा ना पति ने शोधवा माटे तपास ना धमधमाट शुरू करी दीधा छे। अमदावाद पोलिस नी एक टीम तेना पति ने शोधवा माटे राजस्थान पहुंची छे, परंतु एवं सामे आव्यु छे के ज्यारे आयशा नो वीडियो सामे आव्या बाद ते भागी छूट्यो हतो। आरिफ कोई संबंधी ने त्या लग्न प्रसंग मा हतो अने त्यांथी फरार थई गयो छे, जो के ते वधारे समय भागी नहीं शके। आयशा ने न्याय मळे ते माटे गुजरात बार काउंसिल सक्रिय थयो छे। काउंसिल ना सभ्य गुलाब खान पठाणे जणाव्यु हतु के आयशा नो केस अत्यंत दुखद छे, आ घटना मन ने हचमचावी दे एवी छे। जो के कायदानी दृष्टि आ समग्र घटनाक्रम आईपीसी नी कलम 306 नी व्याख्या ने फिट बेसे छे। हुं मानुं छुं के आ केस मां आरोपी ने चोक्कस सजा थशे। जो संजोग अवसाद कोई साक्षी फरी जाय के विपरीत परिस्थिति सर्जाय तो पण मरता पहला आयशाए जाते लीधेलो वीडियो जे तेना डाइंग डिक्लेरेशन तरीके कंसीडर करीने आरोपी ने सजा थवी जोईए। लड़की के साथ उसको शादी करनी थी उससे उसको निस्बत है, आयशा से उसको कोई निस्बत नहीं था। उसने सिर्फ उसको हैरेसमेंट ही किया है, उसके और उसके परिवार वालों ने सिर्फ उसके साथ हैरेसमेंट किया है, डोमेस्टिक वायलेंस किया है। हम सिर्फ ये मांग करते हैं उसको इंसाफ दो और वो इंसान को सबक सिखाओ, ऐसा सबक सिखाओ कि आज के बाद कभी कोई दूसरी आयशा ना पहनाए और कभी कोई लड़की इस तरीके की मौत की चादर ओढ़ के ना सो जाए। आपने जणावी दीए कि अमदावादनी आयशाना लग्न राजस्थानना जालोदमां रहता आरिफ खान साथे थया हता। आयशाना पिताना आक्षेप प्रमाणे आयशाना सासरियाओ आयशाने खूब ज त्रास आपता हता, वारंवार दहेजनी मांगणी करता हता, अने आनाथी कंटाळीने ज आयशाए आपघातनुं छेल्लुं डगलुं भर्युं। जो कि आरोपी पति अने तेना घरवाळाओनुं कोई निवेदन सामे नथी आव्युं, તેના કારણે તેમના પર શંકાઓ વધારે ઉઠવા લાગી છે। બ્યુરો રિપોર્ટ, વીટીવી ન્યૂઝ।